स्वागत है आपका सिटी चैनल शिमला। सब लोगों को ऋषि पंचमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पहुंच चुके हैं गंज के राधा कृष्ण मंदिर, जहां हम आपको ऋषि पंचमी व्रत की कथा और मान्यता बताएंगे। हर वर्ष गणेश चतुर्थी के ठीक दूसरे दिन ये व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से घर में सुख शांति का वास होता है, और ये भी माना जाता है कि ये व्रत महिलाएं ही करती हैं। पुराणों के अनुसार इस दिन व्रत को करने से जीवन में सुख शांति और खुशहाली आती है। ऐसी भी मान्यता है कि इस व्रत को करने से अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। बता दें कि ऋषि पंचमी का पर्व पूरी तरह से सप्त ऋषियों को समर्पित है। तो चलिए आज हम ऋषि पंचमी व्रत के बारे में पंडित जी से बात करते हैं। तो पंडित जी, ऋषि पंचमी व्रत की क्या मान्यता है, इसे लोग क्यों रखते हैं? हमारे जो धर्म शास्त्र हैं उसमें सप्त ऋषियों का महत्व बताया गया है। वो जो सप्त ऋषि हैं, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, गौतम, अत्रि, ये सप्त ऋषि हैं। इन सप्त ऋषियों का कहते हैं पूजन करने से जीवन में आने वाली कई परेशानियां दूर हो जाती हैं। कारण कि जो ऋषि पहले के समय में जो ऋषि लोग थे वो त्याग के रूप माने जाते हैं, और उनमें तप सौहार्द ये भावना थी। उन्होंने संसार को जोड़ने के लिए जो तप किया उसी के उसमें आज के दौर में ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जाता है। और ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। इसमें भगवान जो सात ऋषि हैं उनकी पूजा करनी पड़ती है। उनको गंध, अक्षत, पत्र, पुष्प, फल, जल आदि चढ़ा करके दिन भर इसमें व्रत रखा जाता है। एक समय फलहार किया जाता है, और सायंकाल ऋषियों को भोग लगा करके स्वयं भी उस भोजन को किया जाता है। लेकिन भोजन से पहले कहते हैं सात ब्राह्मणों को बुलाएं, उनको उसका भोजन कराएं, और फिर स्वयं भी भोजन करें। तो ये जो ऋषि पंचमी का माहात्म्य प्राप्त हो जाता है। पहले के समय में सभी लोग करते थे, लेकिन वर्तमान समय में इस ऋषि पंचमी को सुहागिन स्त्रियाँ और कन्याएँ करती हैं। कारण कहते हैं कि जो रजो दर्शन में जब स्त्रियों को मासिक धर्म होता है उसमें कई प्रकार के दोष हो जाते हैं। उन दोषों में अगर कोई भी गलती से कोई कार्य हो जाए तो उसको करने के लिए कहते हैं कि ऋषि पंचमी का व्रत सबसे उत्तम है। तो जो रजो दर्शन है, मासिक धर्म में जो कभी कोई कमी रह जाए, कोई गलती से कोई कार्य हो जाए तो हमारे शास्त्रों के अनुसार वो बहुत बड़ा दोष माना जाता है। उसमें ऋषि पंचमी का व्रत, चाहे वो कन्या है जिसको मासिक धर्म वो शुरू हो चुका है, चाहे वो सुहागिन स्त्री है, वो उसके लिए कहा गया है कि वो इस ऋषि पंचमी का व्रत लें। और ऋषि पंचमी के व्रत में कहते हैं कि इस व्रत को लेने से उनको उस रजो दर्शन से क्या हो जाता है, जो उनका मासिक धर्म का दोष है वो दूर हो जाता है। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए सिटी चैनल शिमला के साथ।